इन पापा का जो बुलेट ड्रीम है गाइस, ये मैं जरूर पूरा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही मेहनत पूरा करना पड़े पापा। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा था गाइस कि मैं गया था अपनी और अपने पापा की ड्रीम बाइक को लेकर शोरूम, उसकी सभी जानकारियां जानने के लिए। और आज के इस ब्लॉग में आप लोग देखोगे कि जब मैं घर आया, अपने पापा को इस ड्रीम बाइक के बारे में बताया, तो मेरे पापा ने क्या बोला, इस ब्लॉग में हम लोग देखेंगे। और कल ही गाइस हम लोग शोरूम से होकर चले गए थे प्योर विलेज लाइफ स्टाइल देखने, गाइस बहुत ज्यादा मजा आ गया, इस ब्लॉग में हम लोग देखेंगे। कल के ब्लॉग में मैं सोच रहा था कि सारा कुछ डाल दूं, लेकिन ब्लॉग का लेंथ बहुत ज्यादा हो गया था, तो इसलिए इस ब्लॉग को हम लोग दो पार्ट में कर दिए। और कल वाले पार्ट में जितना ज्यादा मजा आया था, इस पार्ट में भी उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आपने कल वाला पार्ट नहीं देखा है तो ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो पहले वो पार्ट देख लो, अदरवाइज आपने कल वो पार्ट देखा था तो ये ब्लॉग आप सभी के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू पहाड़ी वाला ब्लॉग्स। चलो अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और फिर आगे देखते हैं कैसा हमें विलेज लाइफ स्टाइल देखने को मिलता है। भाई ये सब चीज़ देखने में जो मज़ा आता है, इसका बात अलग है। वैसे हम लोग भी विलेज की तरह ही लाइफ स्टाइल जीते हैं, लेकिन वो जो प्योर विलेज लाइफ स्टाइल है वो हम लोग नहीं जीते। आ जाओ। अरे भाई देखना, यहाँ फंस ना जाए। अरे भाई तुम्हारे ही शहर के, प्लीज़ यार ऐसा ना भूको। और एक खुशखबरी भी देता हूँ गाइस, आपके भाई का यूट्यूब पेमेंट जो आ चुका है, तो आज जो छोटे मोटे मेरे ज़रूरतें हैं उसे भी पूरा करूँगा। लाइक मुझे वो आगे पता चलेगा। चलो कबीर भाई लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो मैंने जो अपना स्कूटी था वो हम लोग शोरूम के बाहर ही छोड़ दिए, और कबीर भाई की स्कूटी में हम लोग ट्रिपल लोड जा रहे हैं। और अभी हम लोग हेलमेट इसलिए नहीं पहने और इसलिए ट्रिपल लोड है, क्योंकि हम लोग जो है थोड़ा सा मैक्सिमम स्पीड में चल रहे हैं। दूसरी चीज़ कि हम लोग ऑन रोड में नहीं है, हम लोग मतलब विलेज के काफ़ी अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पे कोई वैसा खतरा भी नहीं है, और हम लोग धीरे धीरे भी गाड़ी चला रहे हैं। वाह मेरे भाई वाह, इसे बोलते हैं रियल विलेज लाइफ स्टाइल और प्योर विलेज लाइफ स्टाइल। आ जा। आगे जो है उस तरफ नदी है, तो हम लोग इसलिए ये पार कर रहे हैं क्योंकि हमें नदी की तरफ जाना है। रुक जाओ कबीर भाई, आने दो भाई हमको भी। और देख सकते हो वहां पे सारे लोग मछली मार रहे हैं। गाइस यहाँ तो आने के बाद देखो भाई हम लोगों का हाल क्या हो गया। जूता देखो एक बार आप लोग, भाई एक एक पाव मिट्टी लटक गया जूता में। चलो चलो रास्ता मिल रहा है कि नहीं, घुस मत जाना भाई। इधर से काहे रिक्स ले रहा, स्लिप करेगा सियोर। इधर से आओ, इधर इस तरफ से आओ, इस तरफ से आए है मेरे भाई। है ना इस तरफ से। कबीर भाई को मस्त जगह मिल गया है। मछली मार रहे हो क्या भाई? मछली कितना बड़ा बड़ा है यहाँ पे? 1 kg तक निकल जाता है। वाह। और सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो पूरा लाइन से भाई, सभी लोग सारे लोग मछली मार रहे हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी। चैलेंज करने जा रहे हैं, नदी भी हमारे पास है और यहाँ पे पत्थर भी है बहुत सारे, तो वो चैलेंज ये रहेगा कैसे पत्थर फेंकना है और कितना बार वो पानी पे छलांग लगा सकता है। ठीक है, ये चैलेंज आप लोग जान रहे हो क्या है, तो पहले मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, वहाँ पे लेना। ठीक है, कितना तो पानी पे छलांग मार सकते हो? एक कहाँ गया देखा, बाप रे। तो अबे कबीर भाई की बारी, देखते हैं ये पत्थर को कितना बार इस पानी में छलांग मरवा सकते हैं। चलो दानिश भाई लो, उठाओ ना तो लो कोई अच्छा वाला। चलो हाँ, तीन तीन है, चार बार है यार, वीडियो में दिखा देंगे हम। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे जाने का वक्त हो गया है,
तो चला जाए साहिल भाई, बहुत देर बैठे हम लोग, बस थोड़ा सा जूता धो लेते हैं। हाँ जूता, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हो गया जूता। करीब एक घंटे से ज्यादा हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे, मौसम काफी ज्यादा अच्छा है। अच्छा हम जूता पहन के नहीं आए हैं, बोला थे लोग सैंडल में आने, लेकिन नहीं, फिर गंदा हो जाएगा ऊपर चढ़ेगा तो। बच के चलेंगे आने समय तो, वीडियो बनाने के चक्कर में घुस के आया जहाँ था। लगता है गाड़ी पूरा अंदर घुसा देंगे चाचा। इधर चले, इधर चले, नहीं गिरेगा, पत्थर पत्थर से आएंगा, चलना नहीं, चलना उधर वो मजा आ जाता, ऊपर लेंगे वहाँ पे है। चल पहाड़ में ही पले बड़े हैं ऐसा थोड़ी। वही तो, ये बस इससे बच के देख नीचे, कहाँ टट्टी, ऐसा मत गिर जाना है। चलो गाइस सच बता रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद मुझे एकदम डिफरेंट फीलिंग मिला है। वैसे भी मैं नेचर से प्यार करता ही हूँ, लेकिन एक बार व्यू देखे आप लोग भाई, और भी प्यार पक्का मजबूत हो गया नेचर से। चलते हैं फिलहाल, वो लोग देख सकते हो कितनी दूर पे जाके खड़े हैं, और मैं यहाँ पे वीडियोस शूट कर रहा हूँ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ भाई। टायर का क्या हालत हो गया, टायर कैसे स्लिप कर रहा है। रास्ता है इधर से, चला जाएगा नहीं जाएगा। अरे भाई इधर तो पूरा देख सकते हो रास्ता का हालत क्या हो रखा है। चलो चलो अब गाड़ी लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोग मॉल जा रहे हैं, कुछ छोटे मोटे मुझे सामान लेने थे, इसके बाद फिर लेकर हम लोग डायरेक्ट घर चलेंगे। अभी यहाँ पे मॉल पे हम लोगों को थोड़ा सा शर्म लग रहा है, क्योंकि जूता देखो एक बार हम लोगों का, इसी जूता में हम लोग मॉल आ गए भाई। बस बच बच के चलना है, कोई देखे ना तो बोलेगा भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं, फेस वॉश भी है लेकिन एक ही है और कोई ब्रांड का नहीं। स्वास्थ्य तो बहुत सारा लगे, मेंस में आपका एक ही है, मेंस में वही तो, मेंस ही में चाहिए, हम लोगों के लिए चाहिए था वो नहीं। चलो तो हम लोग जो चीज़ खोज रहे थे वो चीज़ हमें इस मॉल पे नहीं मिला है, हमें लोकल दुकान से ही लेना पड़ेगा। चलो तो फिलहाल हम लोग घर पहुंच चुके हैं, अब घर वालों को भी बताते हैं, गार्जियन से थोड़ा डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर वो डबल सिलेंसर वाला जीटी बुलेट आ जाए ना भाई, तो फिर मोहल्ला में आग लग जाएगा, क्या दानिश भाई। चलो ठीक है फिर। तो फाइनली गाइस मैं घर आ चुका हूँ, और घर आने के बाद मैं उस ड्रीम बाइक के बारे में पापा को बताया, तो पापा ने बोला कि अभी कुछ दिन रुक जाओ, क्यों अपने कंधे में इतना लोड ले रहे हो। और पापा बिल्कुल भी सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी आईफोन का ईएमआई 4500 के आसपास चल रहा है, और अगर मैं बाइक फाइनेंस करवा लेता हूँ तो उसका ईएमआई लगभग 5000 के आसपास चलेगा, और घर खर्च भी हो रहे हैं, मतलब महीने में 15000 मुझे किसी भी तरीके से कैसे भी करके लाने होंगे। तो पापा बोल रहे हैं अभी रुक जाओ कुछ दिन, और तब तक पापा का भी काम शुरू हो जाएगा, तो बोल रहे कि फिर हम दोनों मिलके अपने जो सपने हैं वो पूरे करेंगे। तो पापा घर खर्च देख लेंगे और मैं अपने साथ अपने फैमिलीज के ड्रीम देख लूंगा, लेकिन पापा का जो बुलेट ड्रीम है गाइस ये मैं जरूर पूरा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही मेहनत क्यों ना करना पड़े पापा। तो फिलहाल गाइस आज की इस ब्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं, आपको पता चल चुका है कि जो मेरा ड्रीम और मेरे पापा का जो ड्रीम था उसके लिए अभी मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। और जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, सबसे पहला ऐसा ड्रीम देखो जो आपकी ड्रीम को पूरा कर सके। एंड तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं हम लोग अगले फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।